महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कितने ऋषि रिच, कितने दौलतमंद हैं फडणवीस, कहां कहां पर हैं इनकी संपत्तियां। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी का वो कद्दावर चेहरा है जो युवा जुनून के साथ साथ बेहतरीन राजनीतिक समझ भी रखते हैं। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में यहाँ की गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम का प्रोफाइल रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक सधे हुए राजनेता की छवि रखते हैं, जिनके कंधों पर आलाकमान कई मौकों पर बड़ी जिम्मेदारियां डालते रहे हैं। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 44 साल की उम्र में ही साल 2014 में सीएम पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाने में देवेंद्र फडणवीस का नाम खास तौर से लिया जाता है। ये वे नेता हैं जो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, इनकी लोकप्रियता भी खूब है, ऐसे में लोगों के मन में इन्हें लेकर उत्सुकता बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के ये धुरंधर कितने बड़े धन्ना सेठ हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र की नागपुर साउथ वेस्ट सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के पास कुल 8,71,21,376 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिनमें से इनके पास 3,93,53,375 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 4,77,68,000 रुपए की अचल संपत्ति भी है। देवेंद्र फडणवीस के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2019 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके और इनकी पत्नी के पास कुल 30,000 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स में कुल 11,66,691 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। देवेंद्र फडणवीस की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके नाम से कोई शेयर या बॉन्ड नहीं है। हालांकि इनकी पत्नी ने शेयर्स और बॉन्ड्स में कुल 2,33,36,308 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2019 में नामांकन भरने तक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम से 6,50,319 रुपए के एनएसएस पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे, जबकि इनके परिवार के सदस्यों के पास अलग अलग कुल 21,42,607 रुपए की बीमा पॉलिसीज भी हैं। 2019 के हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 62 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से 52,20,450 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं। इनमें से 450 ग्राम सोना फडणवीस के नाम से है जिसकी कीमत 17,40,150 रुपए बताई गई थी। इनकी पत्नी के पास हलफनामा भरने तक कुल 900 ग्राम सोना था जिसकी कीमत 34,80,300 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2018 के हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और इनकी पत्नी के नाम से कुल 2 गाड़ियां हैं जिनकी कुल कीमत 6,07,000 रुपए बताई गई थी। देवेंद्र फडणवीस की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कुल 1,22,61,000 रुपए मूल्य की खेतिहर भूमि है, जबकि इनके पास कोई गैर खेतिहर भूमि नहीं है। फडणवीस और इनकी पत्नी के नाम से कई आवासीय इमारतें भी हैं जिनकी कुल कीमत 3,55,07,000 रुपए बताई गई थी। इनके नाम से कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2019 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कुल 62 लाख रुपए की देनदारी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।